हाय एवरीवन, मेरा नाम है श्रीराम और आज से मैं चालू कर रहा हूँ वीलॉगिंग। और ये मेरा फर्स्ट वीलॉग वीडियो है। और क्योंकि किसी भी नए काम की शुरुआत हमें जनरली श्री गणेश के आशीर्वाद के साथ में करता है, तो क्यों ना ये फर्स्ट वीलॉग जो है हम श्री गणेश को डेडिकेट करें। इसलिए हमारे फर्स्ट वीलॉग में हम जो है जर्नी करने वाला है आदासा टेम्पल की। जी हाँ, आदासा नागपुर महाराष्ट्र। तो चलो बाकी बातें बाद में करते हैं, लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो अभी हम पहुंच गए आदासा। आदासा जो है वो नागपुर से लगभग 35 किलोमीटर के दूरी पे है। और इस बार मुझे बहुत सरप्राइज़ हुआ यहाँ पे आके, क्योंकि जो रोड्स है लास्ट टाइम से जो मैंने देखा कि जो हाईवे है वो बहुत ही सुपर है। तो शायद अभी अगर आप आते हो तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिले। तो चलो आपको दिखाता हूँ मैं आदासा। यहाँ पे अगर आप आओगे तो एक चीज़ होगी आपके साथ में कि ये जो मंदिर वाले और फूल वाले जो है आपको बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देंगे और हर कोई चाहेगा कि आप उनके पास से ले, लेकिन ऑब्वियसली आप किसी एक के पास से ही ले सकते हैं। तो
आज कुछ ऐसा हुआ कि हम तो आए थे दर्शन करने, लेकिन क्योंकि कोविड के वजह से जो है जो तीसरी वेव जो आ सकती है उसके प्रिकॉशन थ्रू जो है मंदिर को बंद रखा गया है। वैसे तो मंदिर चालू रहता है, लेकिन आज जो है वो है चतुर्थी है शायद, तो चतुर्दशी है, तो उसके हिसाब से अगर आज अगर ज़्यादा श्रद्धालु अगर आते हैं तो इस वजह से इन्होंने आज के दिन जो है मंदिर को बंद रखा हुआ है। तो कोई बात नहीं, हमने गेट पे से ही दर्शन किए हैं और चलो अगली बार आ जाएंगे, कोई बात नहीं। वैसे मंदिर तो बंद है और बहुत लोगों को पता है कि मंदिर बंद है, तो आज वैसे तो कोई गर्दी है ही नहीं, फिर भी मेरे जैसे कुछ लोग और जो है वो आए हुए हैं यहाँ पे, तो उनमें से एक ग्रुप है जो नागपुर से लगभग 35-40 किलोमीटर जो है साइकिल चला के जो है यहाँ पे आए, तो उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं और वो क्यों इतना मतलब कोई दूसरा व्हीकल चूज़ करने के बजाय साइकिल से आए, तो उनसे बात करते हैं। अपना नाम? हाय, मेरा नाम अर्जुन है और हम लोग साथ में ही, इसका नाम तन्मय है, हम लोग साथ में ही साइकिलिंग करते हैं और उसका नाम यशराज है। तो वैसे ही हम लॉन्ग ट्रैक पे, लॉन्ग टूर पे जाते ही रहते हैं, बट नागपुर के आसपास कोई इतना लंबा ट्रैक है नहीं और बचा एक रामटेक, नहीं तो आपका ये, तो रामटेक में क्लाइंब काफ़ी ज़्यादा है इसलिए हमने ये जगह चूज़ करी और सोचा था वेदर अच्छा होगा, लेकिन वेदर अच्छा है, लेकिन गर्मी है, थोड़ा टेम्परेचर है। तो ये था हमारा आधा सा का ट्रिप, बहुत अच्छी जगह है, अगर आप याद आते हो तो आराम से 2-3 घंटे स्पेंड कर सकते हो। नागपुर से आने में और जाने में आपको आने में 45 मिनट्स से 1 घंटा लग सकता है, अभी तो रोड बहुत अच्छे बन गए हैं तो शायद 45 मिनट्स लगे, तो 45 मिनट्स आने के लिए, 45 मिनट्स जाने के लिए, और अगर आपका पूरे दिन का प्लान है तो बीच में जो है गोरेवाड़ा नेशनल लेवल का ज़ू बना हुआ है, इट्स अ ज़ू प्लस नेशनल पार्क जैसा कुछ है, मैं तो अभी तक गया नहीं हूँ लेकिन है वहाँ पे, आप वहाँ पे भी जा सकते हो। फ़िलहाल धूप बहुत है इस वजह से थोड़ी सी परेशानी हो रही है, वैसे भी मैं मॉर्निंग में 9 बजे ही आया हूँ, फिर भी बहुत ज़्यादा धूप है इस वजह से थोड़ा सा परेशानी हो रही है, लेकिन एक बहुत अच्छी जगह है,
आप आइए और इंजॉय करेंगे, ज़रूर करेंगे। फैमिली के साथ में आएंगे तो आप एज अ पिकनिक वगैरह यहाँ पे मना सकते हो। तो चलो, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।